खत्म करता हूं कि उन्होंने इस शानदार संघर्ष का आगाज किया। ऑक्युपाई यूजीसी अपने अधिकारों के लिए एक ऐसी हमला हमारे छात्रों के ऊपर किया गया यूजीसी के द्वारा, जो कभी अपने आप को ऑटोनोमस बॉडी होने का भी दावा करती है, जिसने बहुत सालों के बाद लड़कर खासतौर पर जेएनयू के छात्रों ने ये नॉन नेट फेलोशिप हासिल की। मैं आपके सामने जब मुखातिब हूँ तो मैं 77 के जेएनयू के छात्र के रूप में और 2005 और 13 के बीच जेएनयू के फैकल्टी मेंबर के रूप में आपके एक साथी के रूप में आपसे मुखातिब हूँ और अपनी एकजुटता जाहिर करने आया हूँ और आपकी बहादुरी को सलाम करने आया हूँ और यह भी कहने आया हूँ कि आपने जेएनयू की व्यवस्था को बहुत सख्त वक्त में जिंदा रखा है। बहुत सख्त वक्त है हमारे देश के सामने, देश को और जेएनयू को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। आज अपने हमारे कुछ साथियों ने कहा अभी कि जेएनयू को कहा गया है, मैं अभी था आईबीएन की डिबेट में इंटॉलरेंस के खिलाफ, उसमें दिखाया जा रहा था स्क्रिप्ट पे के पांच झंडे में लिखा है कि जेएनयू राष्ट्रद्रोही। अड्डा शेम शेम तो फिर है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जेएनयू राष्ट्रद्रोही का अड्डा है क्या इसलिए कि 1977 के इमरजेंसी के खिलाफ, 75 के इमरजेंसी के खिलाफ जेएनयू से लड़ाई लड़ी गई 1984 में? इसी इन्हीं दिनों जब दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हो रहा था कि जेएनयू के स्टूडेंट ही थे जिन्होंने अपने दरवाजे खोले थे और पूरे आसपास के और तमाम इलाकों के जो सिख परिवार थे हॉस्टलों में उनको जगह दी थी और उनके साथ एक गुर्ता जाहिर की थी और जेएनयू के छात्र और अध्यापक वो पहला पीस मार्च 4 नवंबर को मैं उसमें शामिल था, उस वक्त था यहाँ पे, हम ही लोगों ने जेएनयू से बाहर निकल के मुनीर का सत्ता और सब जगह निकाला था। क्या है ये हमारा राष्ट्रद्रोह है? क्या ये हमारा राष्ट्रद्रोह है कि हमारे यूनिवर्सिटी में रोमिल्ला थापर की तरह इंटरनेशनली रिनाउंड हिस्टोरियन है जिसने पूरी दुनिया में हिस्ट्री में अपना नाम कमाया है, उस हिस्टोरियन की बजाय आप चाहते हो कि जेएनयू में और दूसरी यूनिवर्सिटियों में वो दीनानाथ भद्रा नाम का एक जो घटिया किस्म का जो पूरी जहालत से भरा हुआ जो किताबें लिख रहा है वो जहालत भरी किताबें, वो चाहता है कि जेएनयू जैसी जगह में भी पढ़ाई जाए जो एक ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र है। क्या मैंने मुझे बताया गया है कि हमारे दो दोस्तों का नाम मुझे बताया गया है कि पांच जन्ने में नाम लेके कहा गया है कि प्रोफेसर सुबोध मालाकार और प्रोफेसर रामाकृष्णा। मैं कहता हूँ ये बेहद शर्म की बात है, वो हमारे सबसे अच्छे अध्यापकों में से जिनका नाम जो है इन्होंने राष्ट्रद्रोही। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को हमारे छात्र दोस्तों के देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह वगैरह तो लड़े से लड़े, लेकिन ये आरएसएस के लोग, ये हिंदुत्ववादी अंग्रेजों का टाउट राष्ट्रद्रोही है, जो लोग आजादी के राष्ट्र भगत आप लोग हैं, सच्चे राष्ट्र भगत आप लोग हैं, जो पंडित नेहरू की साइंटिफिक टेंपर की नॉलेज की, भगत सिंह के इनकलाबी विचारों की और इन सब जो हमारी सबसे अच्छी परंपरा है देशभक्ति की, आजादी के आंदोलन की, उसको अगर किसी ने आगे बढ़ाया है तो हमारे जेएनयू के छात्रों और अध्यापकों ने आगे बढ़ाया। कोई ऐसा मौका नहीं है कि जब जेएनयू के छात्रों ने, चाहे दुनिया में हमारे छात्रों के ऊपर ये इल्जाम भी लगा कि ये तो दुनिया भर की बातें करते हैं, वियतनाम का संघर्ष हो, पैलेस्टाइन का संघर्ष हो, कोई संघर्ष हो, हमारे जेएनयू के छात्र और अध्यापक सबसे आगे बढ़ के उन संघर्षों में पूरी डेमोक्रेटिक जनता का साथ देते हैं। हम ना सिर्फ राष्ट्र भक्त हैं, हम बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीयता मानवता में यकीन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीयता मानवता के दावेदार हैं और ये लोग नफरत के सौदागर हैं, नफरत के सौदागर हैं, हमारे समाज को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, धर्मों के फिरकों में बांट के लड़ाइयाँ करवा के ये पूरी हमारी जो आज़ादी की विरासत है ये उसको नष्ट करने में तुले हुए हैं। दोस्तों मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ बहुत ज़रूरी तौर पे कि आप अगला टारगेट हैं, 3 मूर्ति पे ये कब्जा कर चुके, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो जेएनयू के छात्रों और अध्यापकों का
सबसे बड़ा रिसोर्स सेंटर है रिसर्च का, अध्ययन का, उस पर इन्होंने कब्जा किया है और अगला कब्जा वो जेएनयू के ऊपर करना पड़े चाहते हैं। और आपकी लड़ाई यहाँ खत्म होने वाली नहीं है, अभी दो तीन महीने के बाद जब इस वाइस चांसलर की टर्म खत्म हो गई और ये अपने वाइस चांसलर लगाएंगे जो दीनानाथ बत्रा को आपके कोर्सों में घुसाएगा, जो आपके कैंपस में घुसाएगा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपकी एकेडमिक काउंसिल को मैं गर्व महसूस करता हूँ, इस जेएनयू का पार्ट होने के तौर पे, उस एकेडमिक काउंसिल का भी पार्ट होने के तौर पे कभी रहा नहीं, कि जिसने पूरी सर्वसम्मति से जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों शामिल थे, ये जो ठूसा हुआ कोर्स था यूजीसी के द्वारा या स्मृति ईरानी के द्वारा या इस गवर्नमेंट के द्वारा कि जबरदस्ती ढाक में ठूस के योगा पढ़ाएंगे, उसको सर्वसम्मति से रद्द किया, ये आपके लिए मुबारक है, आपके अध्यापकों के लिए मुबारक है, मुबारक है। दोस्तों मैं और कुछ